जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। आज हम प्रोटीन, फाइबर्स और न्यूट्रिशन से भरा हुआ एक हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार करेंगे। जो डाइट करते हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। इसके लिए यहाँ पे मैंने काला चना 4 घंटे पहले भिगो दिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया है सॉल्ट और थोड़ा सा पिंच ऑफ सोडा डाल के। इसके अंदर हम लेंगे एक कच्चा केला जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। दोनों चीज़ों को हम मैश कर लेंगे। यहाँ पे हम दूसरी भी जो चीज़ लेने वाले हैं वो ऐसी ही हेल्दी वाली ले रहे हैं। पोहा डालेंगे 1/2 कप जितना, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले भिगो दिया था। और 1/4 कप लेंगे हम मटर। कुछ पहले बेसिक मसाले डाल देंगे, हमें और भी हेल्दी दूसरी चीज़ डालनी है वो बाद में डालेंगे। गरम मसाला, सॉल्ट, सूट पाउडर, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और हींग को ले लेंगे और थोड़ा सा डाल देंगे लेमन जूस और 1/2 चम्मच जितना ग्रीन चिली पेस्ट। अगर तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चम्मच लिया है मैंने शुगर पाउडर। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। स्टफिंग थोड़ा लूज़ लग रहा है मुझे, तो मैं 2 चम्मच यहाँ पे चने का आटा डाल रही हूँ। ज़्यादा हमें मैश नहीं कर देना है। देखिए स्टफिंग यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैंने इस तरह का मोल्ड यहाँ पे लिया है, आप कोई भी तरह का मोल्ड ले सकते हैं और ये नहीं तो आप हाथ से भी कोई भी शेप दे सकते हैं। चलिए इसे हम शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। प्लेट में रख के मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे जो हम कोटिंग करें, जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया, मैं ब्रेड क्रम्स का यूज़ नहीं करती हूँ। मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स को मैंने मिक्सी जार में पाउडर फॉर्म में बना लिया है। तो देखिए हमारा रेडी हो चुका है। इसे अब हम कोट कर लेंगे दोनों साइड से। अच्छे से पहले एक बार प्रेस कर लेते हैं, इस तरह से कोट कर लेंगे हम पाउडर में। मैं आपको और एक दिखा रही हूँ। मैं आपको आगे बताऊंगी कि यही स्टफिंग का यूज़ करके, ये हेल्दी वाला स्टफिंग यूज़ करके आप बहुत सारी और डिशेज़ बना सकते हैं। मैं आगे आपको दिखा रही हूँ और बता भी रही हूँ कि बच्चों के टिफ़िन में आप इसी में से कितनी वैरायटीज़ बना सकते हैं। देखिए और एक कटलेट को मैंने बना लिया इस तरह से पेटीज। चलिए कोट कर लिया है, सारी पेटीज हम इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए रेडी हो चुकी है। हमें इसको डीप फ्राई नहीं करना है, हम एक हेल्दी वर्जन बना रहे हैं तो हम इसे थोड़ा थोड़ा ऑयल यूज़ करके सैलो फ्राई करेंगे, लेते जाएंगे। ये जो स्टफिंग मैंने बताया ना आपको, मैं टिफ़िन के लिए क्या क्या वैरायटी इसमें से बना सकते, इसी स्टफिंग का यूज़ करके आप बर्गर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये पेटीज को आप रगड़ा पेटीज में यूज़ कर सकते हैं। बच्चे के टिफ़िन में रोटी वगैरह के अंदर रोल करके, इसके ऊपर पनीर वगैरह कुछ डाल के आप रोल करके बच्चों को दे सकते हैं। टोस्ट सैंडविच में यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक साइड से हमारी थोड़ी थोड़ी होने लगी है तो उसके ऊपर हम इस तरह से वाइट वाले तिल लगाएंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा के स्पून की मदद से इसे हल्का सा प्रेस करेंगे, क्योंकि ये जब दूसरी तरफ हम उसे टर्न करेंगे तो ये वाले भी साथ में रोस्ट होंगे तो उसका एक टेस्ट अलग बहुत अच्छा आता है। तो उसको हमें इसके अंदर इस तरह से डालना है। इसे डार्क ब्राउन होने तक हमें इसे रोस्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम ऑयल में हमने इसे तैयार किया है। तो हमारा ये हेल्दी ब्रेकफास्ट आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने वैरायटीज़ बताई है वो सब में भी आप इसी का यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग टाइप के ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। देखिए ये हमारे तैयार हो चुके हैं, बाकी के भी हम रेडी कर लेते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए हमारे बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने केचप और चटनी के साथ सर्व किया है। चटनी की रेसिपी ऑलरेडी बिना देने की मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे। जय जिनेंद्र।